गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके स्टूडेंट, और जो टेंस टॉपिक था वो हमारा चल रहा था, और टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट कंप्लीट किया था, उसके बाद पास्ट चल रहा था स्टूडेंट, और पास्ट में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इट इज यूज्ड फॉर द एक्शन, इट इज यूज फॉर द एक्शन इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अर्लियर पास्ट बट इट इज नॉट related to the present time. Okay student, the past perfect continuous tense hota kya hai student, it is used for the action in progress during the earlier past but it is not related to the present time. Okay student, ye present time se related nahi hota hai। ओके और जो पास्ट में ही जारी होता है, स्टार्टिंग होती है इसकी, और स्टार्टिंग पास्ट में होती है और पास्ट में ही ये जारी रहता है, और इसमें टाइमिंग शो होती है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जांपल्स अब उसी प्रकार से स्टूडेंट, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था हमने कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल since morning. She had been playing football since morning. अब student, अब हमें ये find करना है, find out करना है कि ये sentence कौन सा है। ये affirmative sentence है। कौन सा sentence है student? Affirmative sentence है। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नहीं उसमें नोट का यूज होता है, नहीं उसकी स्टार्टिंग डब्ल्यूएच फैमिली से या हेल्पिंग वर्ब से होती है, और न एंड ऑफ द सेंटेंस के सुरमार्क का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? तो हमें पता चला कि ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, और इसमें न तो नोट का यूज हुआ है, और न स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और न एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। तो इट मींस दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, ही हैड, ही
had not been playing football since morning. He had not been playing football since morning. Okay, student. तो हमें find करना है कि sentence कौन सा है. Okay, student. तो अब मैंने क्या बताया था कि helping verb के बाद अगर not का use होता है तो वो negative sentence होता है और इसमें helping verb had और had के बाद यहाँ पर not given है. Had और been के सेंटर में बीच में नोट का यूज होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट उनके एंड में भी क्या होता है, फुल स्टॉप का सिंबल यूज होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. तो इट मींस दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट. Negative sentence. Next, interrogative sentence. Interrogative sentence की starting helping verb से होती है student और end of the sentence के इस्तेमाल का symbol होता है. Is that clear? Helping verb इसमें had, had he been playing football since morning. Had he been playing football since morning? I also told you about the interrogative sentence. कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस किस नंबर का सिंबल होगा. तो बना कैसे, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. तो ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence. Is that clear, student? अब next interrogative और negative sentence बनाना है. It's very easy. First of all, had का use करेंगे starting में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. तो यहां पर नोट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. Had he not been playing football since morning? तो ये कौन सा बन गया स्टूडेंट, I means interrogative and N means negative sentence. Is that clear student? तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम एक फॉर्मूले से, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, एक फॉर्मूले से हम एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इसका जो फॉर्मूला, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ए मींस एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, सीन्स फोर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था सीन्स फोर का यूज। ओके स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में, दोनों के साथ ही हेड का यूज होता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, कौन से सेंटेंस का? ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट, कौन से सेंटेंस का? एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास ये सेंटेंस है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, एफर्मेटिव सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस सेंटेंस में हमने नॉट का यूज किया है। तो यहां पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, यहां पर हैड है, यहां पर ये हैड जो गिवन है, इसके बाद हमें किसका यूज कर रहे हैं, नोट का यूज करना है और नेक्स्ट एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये जो फॉर्मूला, ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूले में ये जो सेंटेंस हमने बनाया है, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या हेड है, इट मींस कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैड, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर यहां पर ये जो हैड है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हेड का यूज करेंगे, सेकेंड नंबर पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पर हेड आएगा, सेकेंड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा और बाकी एज इट इज रहेगा और एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का सिंपल आएगा। कब? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, प्रश्नवाचक बनाते समय, वाक्य बनाते समय। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट, अगर हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट, तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने लर्न किया था उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नोट का यूज करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला था वो था हेड प्लस सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, फिर बी, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सीज फॉर प्लस टाइम और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाना है स्टूडेंट, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, जैसे बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार से बनेंगे ये भी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर स्टूडेंट एक सेंटेंस या एक एक्शन कंप्लीट होता है, ओके स्टूडेंट, जब एक एक्शन कंप्लीट होता है और सेकंड सेंटेंस का एक्शन चल रहा होता है, जारी होता है, ओके, गोइंग ऑन होता है, तो स्टूडेंट, और प्लस में टाइमिंग गिवन हो, ओके स्टूडेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस जो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, और कंप्लीट हुआ था सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, और जो चल रहा था स्टूडेंट वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ओके स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, मोहन हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर एन आवर। व्हेन आई रीच्ड होम, मोहन हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर एन आवर, ओके स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि पहला सेंटेंस जो व्हेन के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ है, तो व्हेन आई रीच होम ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें एक्शन गोइंग ऑन है और प्लस टाइमिंग गिवन है, ओके स्टूडेंट, तो वह सेंटेंस जो जारी है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, और इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? They had been playing cricket for half an hour. Before they had been playing cricket for half an hour before the rain can. They had been playing cricket for half an hour before the rain came. Okay student, before के बाद वाला जो sentence है student वो कौन सा है? Simple past tense, past indefinite में है, और before से पहले वाला जो sentence है वो किस में है? Past perfect continuous tense में बना है। They had been playing cricket for half an hour before the rain came. Is that clear student? Next, see
See, fill in the blank. English. When I join the school. Okay, students, sentence ये है और इसमें fill in the blanks, इसमें fill करने हैं. Okay, student. When he was in Agra. When he was in Agra. He fill in the blank. French. For four two years. For an hour. Okay, student, sentence देखो, see fill in the blank, English for an hour, when I joined the school. Okay, student, तो it means कि when है, दिया हुआ है, और उसके just बाद क्या है, simple past tense या past indefinite tense का example है, और timing given है, English for an hour, English for an hour, timing given है, student. अगर यहाँ पर timing given है, तो it means कि past perfect continuous tense का use करोगे. Okay, student. To see had been. और ब्रैकेट में टीच दिया हुआ है. ब्रैकेट में टीच दिया हुआ है स्टूडेंट. और यहां पर लर्न. Okay, स्टूडेंट. तो ब्रैकेट में टीच दिया हुआ है. सी हैड बीन टीचिंग. She had been teaching English. She had been teaching English for an hour when I joined the school. Okay, student, is that clear? Next, when he was in Agra. When he was in Agra. Full stop. Sorry, comma. He had been. यहाँ पर क्या student? Time given है. Okay. अगर यहां पर टाइम गिवन है तो इट मीन्स ये सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा. इज दैट क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. ओके, यहां पर हैड बीन का यूज होगा. हैड बीन. नेक्स्ट क्या है? ब्रैकेट में क्या वर्ब दी है? लर्न. और ये लर्निंग. लर्निंग French for 2 years. When he was in Agra, he had been learning French for 2 years. Is that clear, student? तो ये जो past perfect continuous tense है student, ये हमारा complete हुआ. और past tense हमारा complete हुआ student. Okay? और नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होता है स्टूडेंट? फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाले एक्शन की ओर संकेत करता है. ठीक है, जो हुआ नहीं है होगा. ओके स्टूडेंट, तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं. फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस
फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट इवेंट्स बट देयर इज इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। ओके स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, इट इज यूज टू प्रेडिक्ट इवेंट्स बट देर इज इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। ओके स्टूडेंट, जो भविष्यवाणी जो घटित होती है, ठीक है स्टूडेंट, और जो घटित होगी, इन फ्यूचर की बात हो रही है, हुआ नहीं है, होगा, ठीक है, जो एक्शन होगा वो फ्यूचर टेंस हो करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट इवेंट्स बट देयर इज इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। ओके स्टूडेंट, और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होता है स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो एंड ऑफ द वाक्य गा गे गी। ओके स्टूडेंट, ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस किसकी ओर संकेत करता है, रेफर किसकी ओर करता है, कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गा गे गी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये इससे आइडेंटिफाई होगा कि ये फ्यूचर टेंस है। ओके स्टूडेंट, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है पहला, सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड प्रेडिक्ट इवेंट्स बट देयर इज इंडेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। तो इसमें स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट, विल सेल का यूज स्टूडेंट, विल का यूज होता है स्टूडेंट आई और वी, सॉरी सेल का जो यूज होता है स्टूडेंट वो होता है आई और वी के साथ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और विल का यूज जो होता है, जो बच गए, ये सेल का यूज होता है आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट जो बच गए, ही सी इट दे यू, इनके साथ विल का यूज किया जाता है।